नमस्कार साथियों, मैं हूं सुविरंजन। मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि साथियों, 2030 के बाद गाड़ियों के जो प्राइस है वो रिवाइज हुए हैं। ऐसे में मिडिल क्लास वाले कौन से बजट का गाड़ी खरीदे, मेरा ये वीडियो आज वो सब कंटेंट को कवर करेगा। बिना स्किप के साथियों वीडियो को देखते रहिए और फटाफट से अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब साथियों, गाड़ियों का जो प्राइस है उसे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बजट को किस प्रकार से प्लान करेगा, कौन सा बजट वाली कार आपके लिए बेस्ट होगा, वो सब हम इस वीडियो में यही सब चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 लाख बजट वाले कार का। इवन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 लाख वाले बजट के जो कार है उसमें आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखेंगे। रीजन ये है कि 5 लाख के नीचे आपके पास उंगली में गिने चुने ही मॉडल मिलेंगे, जिस आपको ना तो वैसे कुछ फीचर्स मिलेगा, ना बॉडी उतना ज्यादा हेवी मिलेगा या स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मैं क्रैश टेस्ट की बात साइड में रख रहा हूँ। देखिए साथियों, 5 लाख के बजट में सिर्फ 4 कार आती है, वो है मारुति सुजुकी की ऑल्टो 800। मेरे ख्याल से शायद ये अभी ऑब्सोलीट हो गया है। दूसरा है ऑल्टो K10 मारुति का ही। तीसरा है मारुति सुजुकी का एस्प्रेसो। इस कार को साथियों कंपनी ने थोड़ा एसयूवी पैटर्न में लाने की कोशिश किया है, फेस को लिफ्ट किया है। लेकिन साथियों, जब आप इस कार को थोड़ा दूर से देखेंगे और उसके व्हील और बॉडी का अगर रेशो देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बट एनीवेज, 5 लाख के अंदर कंपनी ने कोशिश किया है कि कस्टमर्स को एक एसयूवी का फील दे, तो ये कार उनके लिए बेस्ट है। और चौथा जो हिट कार है वो है रेनो का क्विड। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मैं सिर्फ इसका जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस बता दे रहा हूँ, 4,70,000। अब यहाँ से इसके अलग अलग वेरिएंट्स जो है उसके अलग अलग प्राइस है। तो साथियों, ये थे 5 लाख बजट वाले कार। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं 6 लाख वाले कार बजट में। साथियों, 6 लाख के कार बजट में आपको 8 मॉडल्स मिलेंगे, 8 कार मिलेगी, जिसमें आपको मारुति सुजुकी का इको है जो मारुति ओमनी का ही बड़ा वर्शन है या मारुति वर्षा का बड़ा वर्शन है, मारुति सुजुकी इको। सेकेंड कार है मारुति सुजुकी का सेलेरियो। इस कार ने काफी नजर खींचा था जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ठीक है, 6 लाख के बजट वाले जो भी कस्टमर्स है जिनका बजट है वो इस कार को सिलेक्ट करते हैं। सेलेरियो वैसे कुछ बुरा कार नहीं है। वैसे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मारुति के पार्ट्स आपको ऑल ओवर इंडिया में और उसके मैकेनिक ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अवेलेबल है। जरूरी नहीं कि आप कोई सर्विस सेंटर में जाए, आप कोई भी गैराज में आपके मारुति के कार को लेकर जाइए, आपका कार रिपेयर हो जाएगा और पार्ट्स बहुत चीप है और इजिली एक्सेसिबल है। 6 लाख के बजट में तीसरा जो कार है वो है मारुति सुजुकी वैगन आर। साथियों, वैगन आर पहले एक बॉक्सी स्टाइल के लिए पहचाना जाता था, लेकिन अब वैगन आर में थोड़ा सा शेप, थोड़ा सा फ्लूइडिक डिजाइन देने की कोशिश किया है। इसके 2 वेरिएंट है, 1 लीटर एंड 1.1 लीटर। दोनों वेरिएंट अच्छा परफॉर्म करता है। बेस पे अगर देखे तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा हिट गाड़ी है। इस बजट में अगर किसी को कार के अंदर में स्पेस चाहिए तो ये कार उनके लिए बेस्ट है। साथियों, चौथा जो कार है वो है सुपर डुपर हिट टाटा का टियागो। देखिए, अभी तक मारुति ने पूरा कब्जा करके रखा था, अब देखिए टाटा की एंट्री होता है टाटा टियागो। बेहतरीन गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी है, माइलेज अच्छा है, मेंटेनेंस न के बराबर है। और इसका जो इलेक्ट्रिक वर्शन है उसका प्राइस खैर अलग है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक वर्शन है वो भी सुपर डुपर हिट गाड़ी है। अब साथियों, पांचवा जो कार है, पांचवा जो मॉडल है, वहां पर हुंडई का एंट्री होता है, हुंडई i10 नियोस। बहुत एलिगेंट डिजाइन है, फ्लूइडिक डिजाइन है, गाड़ी के अंदर भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं। और छठवां जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी का इग्निस। अब साथियों, मुझे मालूम नहीं कि ये कार कंपनी ने लॉन्च क्यों किया था। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी स्टॉक मार्केट में जो है, शोरूम में या किसी के गोडाउन में जो भी स्टॉक है, सिर्फ वही स्टॉक लास्ट है, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो शायद अभी आप अगर मारुति सुजुकी का इग्निस खरीद रहे हैं, खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको कम रेट पे, कम प्राइस पे, तो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये कार अवेलेबल हो जाएगा। साथियों, सातवां जो कार है वो है सुपर डुपर हिट मारुति का अभी तक का, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। साथियों, 2005 में जब ये कार लॉन्च हुआ था उस टाइम
जो पहले लॉट का जो मॉडल था रेड कलर वाला मारुति स्विफ्ट, मैंने परचेस किया था पर्सनली। उस टाइम जो मैं मारुति स्विफ्ट का जो बॉडी देखा था, जो हेवीनेस देखा था, बॉडी का जो स्ट्रेंथ देखा था, जबरदस्त था। आजकल मारुति अपने कार में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी आप अंगूठे से बॉडी को दबाएंगे तो आपका बॉडी जो है वो दबता हुआ दिखेगा, ये अच्छी बात नहीं है। शायद आपको सस्ते में कार मिल जा रहा है, ज्यादा माइलेज वाला मिल जा रहा है, मेंटेनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथियों ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक नेगेटिव पॉइंट लेके चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर भी हमारे कार क्रैश होता है तो मुझे नहीं मालूम कि अंदर के जो पैसेंजर्स या ड्राइवर है या को पैसेंजर है उनका क्या हाल होगा। लेकिन हाँ, मारुति सुजुकी का स्विफ्ट है, 6 लाख बजट के अंदर का है, माइलेज दे रहा है, पार्ट्स अवेलेबल है, आप ये गाड़ी पर विचार कर सकते हैं। और साथ ही लास्ट जो वेरिएंट है, लास्ट जो कार है, आठवां कार इस सेगमेंट में, वो है निसान का मैग्नाइट। एक एसयूवी पैटर्न का, एक मिनी एसयूवी पैटर्न का ये गाड़ी को निसान ने लॉन्च किया है इंडिया में। लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है, अंदर में फीचर्स भी अच्छे हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आप निसान को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि निसान के सर्विस सेंटर इंडिया में डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, तो आपको अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग सर्विस सेंटर या रोड साइड में असिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना हेल्प मिल पाएगा या लोकल मैकेनिक भी आपके गाड़ी को रिपेयर कर पाएंगे या नहीं। साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं 7 लाख वाले सेगमेंट, और इस सेगमेंट में आपको 10 कार मिल जाएगा। सबसे पहला अगेन है टाटा पंच, 6 लाख में आपको यह कार मिल जाएगा। इसके अलग अलग वेरिएंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस है, बट बेस मॉडल जो है वो 6 लाख का है। बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बहुत सारे फीचर्स इसमें भर भर के दिया गया है, गाड़ी का लुक्स भी जबरदस्त है। नेक्स्ट जो कार है वो है हुंडई का ऑरा, ये कॉम्पैक्ट सेडान कार है, बहुत एलिगेंट लुक है, फीचर्स अच्छे है, इसके अंदर के जो फीचर्स है इंटीरियर्स जो है काफी अच्छे है। नेक्स्ट जो गाड़ी है साथियों ये टैक्सी कोटा में आप देखेंगे रेनॉल्ट का ट्राइवर। टैक्सी कोटा में मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज्यादा ये जितने भी टैक्सी कार रेंटल कंपनी है ये रेनॉल्ट के ट्राइवर को यूज करते हैं। सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, गाड़ी कम प्राइस है, बजट में है और गाड़ी दब के चलती है। नेक्स्ट जो गाड़ी है वो अगेन रेनॉल्ट का काइगर है, बहुत एलिगेंट लुक है, मिनी एसयूवी है लेकिन बहुत अच्छा गाड़ी है, लुक्स बहुत अच्छा है। अब साथ ही अगला जो कार है वो है मारुति सुजुकी का डिजायर, ये भी एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है, सुपर डुपर हिट मॉडल है मारुति का। मैं ये इनफैक्ट कहना चाहूंगा कि मारुति अगर प्रॉफिट में है तो सिर्फ 2 कार के बेसिस पे है, वो है मारुति सुजुकी का स्विफ्ट और मारुति सुजुकी का डिजायर। साथ ही 7वां जो कार है वो है टाटा का एल्ट्रोस, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, एलिगेंट लुक है, टाटा ने एक के बाद एक मॉडल जो नए सेगमेंट में एंट्री दिए हैं सबके लुक्स जबरदस्त है, फीचर्स वेरी नेचुरल, बहुत सारे फीचर्स जो भर भर के दिया हुआ है, ये कार क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार रेटिंग में आता है। साथियों नेक्स्ट जो मॉडल है वो है मारुति सुजुकी का बलेनो। बलेनो के बारे में आप थोड़ा सा सोचते होंगे कि टोयोटा का भी एक ग्लांजा मॉडल आता है। साथियों टोयोटा का जो ग्लांजा और ये मारुति का जो बलेनो है दोनों सेम है। टोयोटा ने मारुति से उनके कुछ मॉडल्स को अपने लिए मार्केटिंग के लिए रखा है, जिसमें वो अपना टैग, अपना आइकन, अपना लोगो लगा के वो मार्केट में पेश किए हैं। उसी में से एक है टोयोटा का ग्लांजा, जो कि ओरिजिनल वर्शन है मारुति सुजुकी का बलेनो। स्टाइलिश इंटीरियर्स है, हेडलाइट्स है, लैंप्स है, अंदर में फीचर्स दिया हुआ है, गाड़ी का लुक अच्छा है लेकिन अगेन बॉडी थोड़ा वीक है। साथियों नेक्स्ट जो कार है वो है अगेन टाटा टियागो का एनर्जी वेरिएंट, एनर्जी मॉडल, बहुत अच्छा गाड़ी है, आप आग बंद करके इस कार को भी ले सकते हैं। और साथियों फाइनल जो मॉडल है वो है टोयोटा का ग्लांजा, जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ये मारुति सुजुकी बलेनो का टोयोटा वर्शन है टोयोटा ग्लांजा, अच्छी गाड़ी है, बलेनो के जो जो फीचर्स है ग्लांजा में भी सेम फीचर्स है। साथियों अब हम अगले सेगमेंट में मूव करते हैं 8 लाख बजट वाले कार। इसमें 6 वेरिएंट आते हैं। पहला आता है हुंडई का i20, साथियों बोलने की जरूरत नहीं है, अभी जो हुंडई i20 का जो नया मॉडल आया है, नया वर्जन आया है, उसके हेडलाइट्स, उसके टेल लाइट्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बॉडी का शेप भी अच्छा है, बहुत बैलेंस्ड गाड़ी है। सेकंड जो मॉडल है साथियों इस सेगमेंट में वो है मारुति सुजुकी का फ्रॉन्क्स।
मार्केट में बहुत हिट किया है ये गाड़ी। अगर हम बलेनो से देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, फ्रॉन्क्स में शेप थोड़ा सा अलग है लेकिन अंदर के फीचर्स वही है, इंजन भी सेम है। मारुति सुजुकी इंजन को सेम रखता है, बस कपड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर देता है, कभी ट्राउजर पहना देता है, कभी लोअर तो कभी जींस पहना देता है, या फिर सिक्स पॉकेट कार्गो पहना देता है, लेकिन इंजन फीचर्स सेम रहते हैं। साथियों अगला जो गाड़ी है वो है सुपर डैशिंग गाड़ी हुंडई का वेन्यू। बहुत डैशिंग है, इसका इंटीरियर से लेके इसका एक्सटीरियर तक, इसका हेडलाइट, इसके फ्रंट के ग्रिल, इसका टेल लाइट, टेल का जो पीछे का जो पोर्शन है, अंदर के जो फीचर्स है बहुत जबरदस्त है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस कार का बहुत अच्छा है। अगेन ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। और साथ ही चौथा जो मॉडल है इस सेगमेंट में वो है किया का सोनेट। 7.79 लाख वाली ये कार मार्केट में यंग जनरेशन के लिए बेस्ट कार बोला जाता है। बहुत डैशिंग लुक है इस कार का। और साथियों फिफ्थ जो मॉडल है वो है टाटा का नेक्सॉन, सुपर डुपर हिट, 5-स्टार रेटिंग, क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिला है इस कार को। जबरदस्त सुपर डुपर हिट गाड़ी है, चाहे आप इसका पेट्रोल का लीजिए, डीजल का लीजिए या फिर इसके इलेक्ट्रिक वर्जन लीजिए, ये गाड़ी टाटा को जिंदा रखा है। और साथ ही छठवां जो गाड़ी है वो है एमजी कॉमेट का इलेक्ट्रिक वर्जन, 7.98 लाख की यह गाड़ी है। बिकॉज ये इलेक्ट्रिक वर्जन है, कहीं ना कहीं आप पेट्रोल या डीजल वेरिएंट जैसे आपको तो वैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ गाड़ी थोड़ा सा अजीब जरूर दिखता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वर्जन लेना चाहते हैं वो इस कार को ले सकते हैं। अब साथियों हम फाइनली आ जाते हैं 10 लाख वाले सेगमेंट में। इसमें सबसे पहले आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा मिलेगा। बहुत अच्छी गाड़ी है, हिट गाड़ी है। अगेन बॉडी का मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं बॉडी छोड़ के बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर में आता है एसयूवी का 300, ये 5-स्टार रेटिंग एसयूवी है। तीसरा जो है वो है मारुति सुजुकी का एर्टिगा, बहुत एलिगेंट लुक है, 7-सीटर है, 6-सीटर भी है। ये 6-सीटर या 7-सीटर के हिसाब से इसका प्राइस का वेरियंस है, अलग अलग है, बट गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है। 1400 से 1500 सीसी का इसके इंजन का कैपेसिटी है। बहुत अच्छी गाड़ी है, लॉन्ग रूट पे दब के चलती है। साथ ही चौथा जो मॉडल है, अगर आप इलेक्ट्रिक वर्जन लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो टाटा टियागो का ईवी ले लीजिएगा, ये आपको पड़ जाएगा 8.69 लाख में। बहुत बेहतरीन गाड़ी है। साथियों पांचवा जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी का शियाज, ये एक फुल सेडान कार है। 9.30 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है बेस वेरियंट का। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत हिट भी हुई है, काफी ज्यादा इसका सेल हुआ है, बहुत यूनिट्स इसके सेल हो चुके हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट जो मॉडल है वो है बोलेरो का नियो। बोलेरो आप देखे होंगे, बट नियो को क्या किया, थोड़ा सा उसको रिडिजाइन कर दिया है, रीशेप कर दिया है, और गाड़ी बहुत ही डैशिंग दिखती है। मैं पर्सनली इस गाड़ी को ड्राइव किया है, बहुत बेहतरीन फीचर्स है, लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियरली आपको मिलेगा। बोलेरो जैसे इंजिन पावरफुल तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा पावरफुल इंजिन है। और साथियों अगला जो गाड़ी है वो है महिंद्रा का बोलेरो, सालों साल सुपर टूपर हिट कार है। लेकिन हाँ इसमें मैं दो कार को और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं इस लिस्ट में नहीं रखा था, अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया। जब मैं मारुति सुजुकी शियाज की बात कर रहा हूँ तो होंडा सिटी की बात हम कैसे भूल सकते हैं, या फिर हुंडई का वर्ना हम कैसे भूल सकते हैं। शियाज के कंपेरिजन में होंडा सिटी और हुंडई वर्ना बहुत दमदार गाड़ी है। अगर मैं बोल रहा हूँ मारुति का प्रॉब्लम है उसके बॉडी को लेकर, बिकॉज वो माइलेज बढ़ाने के चक्कर में बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, बट अगर आप इसी प्राइस रेंज में कूप सेडान कार ढूंढ रहे हैं तो शियाज छोड़ के आपके पास दो और ऑप्शन रहते हैं, वो है होंडा सिटी और हुंडई का वर्ना। जबरदस्त गाड़ी है, मेरे पास पर्सनली हुंडई वर्ना है, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। 5 साल से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 2018 का मॉडल है, गाड़ी अभी भी एकदम कसा हुआ है, टाइट बॉडी है। अब मेरा यह कंटेंट आपको कैसे लगा, मैंने अलग अलग बजट सेगमेंट मिडिल क्लास वालों के लिए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के ऊपर मैंने कवर किया। अगर आप ऐसे कुछ कार खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं या मेरे से कोई कार छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों लाइक्स जरूर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते ऐसे किसी दिलचस्प वीडियो पर, तब तक स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, दिस इज सुबीर साइन ऑफ।